दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर इंट्राडे कोच में। दोस्तों आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि हमारा भारत देश आगे और तरक्की करेगा और एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में, जैसा कि मोदी ने बोला है, 2047 तक आ जाएगा। उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयास करना है। देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए बात कर लेते हैं, चार्ट पर चलते हैं और बात करते हैं हम लोग कि कल मार्केट जब ओपन होगा तो ट्रेड हम कैसे ले सकते हैं। दोस्तों ये चार्ट है जो हमने आपको पहले से ही एक हफ्ते या 10 दिन पहले जब हमने वीडियो बनाया था तो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था, उसी के आधार पर मार्केट अभी तक बिहेव कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कल कैसे ट्रेड किया जा सकता है। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट है, आप देख सकते हो ये 15 मिनट का चार्ट है और ये जो 15 मिनट का चार्ट है इसमें कल मार्केट ओपन हुआ गैप डाउन और इसके बाद सीधा नीचे चला गया 15 मिनट में और उसके बाद उसी कैंडल से ये वापस लौटा। हमने जो आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था, हमारी ख्याल से ये तो शायद हमने 1 महीने पहले दिया था क्योंकि उसके बाद से शायद 1-2 वीडियो ही बनाए हमने, तो आपने देखा कि वहां पर जो हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया था मार्केट ने वहां पर कंसोलिडेट किया और जब उसके ऊपर निकला है तो सीधे अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ गया। तो हमने आपको पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, हर सपोर्ट रेजिस्टेंस से दूसरे सपोर्ट रेजिस्टेंस तक आपको वेट करना है। जैसे हमने आपको यहां बताया था कि यहां पे मार्केट क्या कर रहा था, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा था, ऊपर जा रहा था फिर रिस्पेक्ट कर रहा था फिर ऊपर जा रहा था, लेकिन तीसरी बार में इसने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस तक आया, यहां पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया फिर इस रेजिस्टेंस से इस रेजिस्टेंस तक आया और यहां से मार्केट यहां गया है। तो हम आखिरकार कल के दिन इसमें ट्रेड कैसे ले सकते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है। हमने आपको यहां पर ये रेंज दी है, पूरी ये रेंज दी है। अब यहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, हमको ये देखना है क्या मार्केट इसके नीचे है। अगर मार्केट जब तक इस रेजिस्टेंस के नीचे है हम निफ्टी को सेल करके चलेंगे। कहां पर सेल करेंगे, जो हमारा ये रेजिस्टेंस है इसके नीचे यहां पर हम सेल करेंगे और ये जो लाइन है आपकी ये हमारी एसएल की लाइन हो जाएगी, क्लियर। और हम वेट करेंगे कहां तक का, इस टारगेट के आने का वेट करेंगे। ये हमारी जो लाइन है वो टारगेट की लाइन है, क्लियर। अब मान के चलो मार्केट फ्लैट ना खुल करके गैप डाउन खुल जाता है, बीच में कहीं खुल जाता है। अगर मार्केट हमारा बीच में कहीं खुलेगा तो हम क्या करेंगे, सपोज करो कि गैप डाउन खुल जाता है तब हम क्या करेंगे, तब हम ट्रेड तुरंत नहीं लेंगे, हम मार्केट को किसी एक डायरेक्शन में, या तो इस डायरेक्शन में आने का वेट करेंगे या इस डायरेक्शन में आने का वेट करेंगे। अब यहां पे अगर मार्केट आया ऊपर तो दो कंडीशंस बनती हैं, या तो क्या करेगा वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, रीटेस्ट करेगा और ऊपर निकलेगा, तो यहां पर हम इसको बाई कर सकते हैं, ये वाली लाइन जो है वो हमारा एसएल हो जाएगा। दूसरा का कैसे हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, इसको नीचे ब्रेक कर दे और रीटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ चले, तो हम इस लाइन के नीचे इसको सेल करेंगे और ये जो लाइन है वो मेरा एसएल हो जाएगा और ये टारगेट हो जाएगा। जब ऊपर निकलेगा तो हमारा पहला टारगेट ये होगा, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर हम इस दूसरे टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके। तो ये तरीका है निफ्टी को ट्रेड करने का। फिर से मैं बता देता हूं, हम निफ्टी को हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस से अगले सपोर्ट रेजिस्टेंस तक ट्रेड करते हैं। जब हमने यहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया है
मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम बाई करेंगे, इसके नीचे निकलता है तो हम सेल करेंगे। गैप डाउन खुलता है, इसके नीचे से जाकर ऊपर की तरफ सपोर्ट लेगा, हम बाई करेंगे, नीचे की तरफ जाएगा हम सेल करेंगे। गैप अप खुलता है, ऊपर निकलता है, हम बाई करेंगे, यहां से रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल करेंगे। सिंपल तरीका है निफ्टी को ट्रेड करने का। जो लाइंस हमने आपको इसमें ड्रॉ की हैं वो आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। मैं बता देता हूं आपको, सबसे ऊपर वाली लाइन 19710 की है, आप अपने चार्ट पर 19710 पर आप लाइन बना सकते हैं। दूसरी लाइन जो है वो 19689 की है, ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। जो दूसरा हमने आपको बनाए की लाइन दी है वो 19536 की लाइन है, और ये जो नेक्स्ट लाइन है वो 19516 की लाइन है। ये लाइन जो है वो है 19440 की, और ये जो लाइन है वो है 19421 की। यानी 20 से लेके 25-30 पॉइंट तक का आपका एसएल है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 19312 है, और ये जो लाइन है 19297 है। तो कैसे आपको इसमें ट्रेड करना है वो मैंने आपको समझा दिया। जैसे मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया था तो नेक्स्ट कैंडल में आपको इसमें ट्रेड लेना है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन गई तो ये क्या निकल गई, ऊपर निकल गई। जब ये ऊपर निकल गई तो हम इस लाइन का एसएल लेके इस लाइन के ऊपर बाई कर सकते थे, और हमको एक 100 से 125 पॉइंट की रैली मिल सकती थी। तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग 10% 15% के प्रॉफिट पे भी निकल सकते हैं, या फिर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस से दूसरे सपोर्ट रेजिस्टेंस तक का वेट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को हम ओपन कर लेते हैं और इसको भी हम देख लेते हैं। ये भी देखिए हमारा 15 मिनट का चार्ट है, अगर आप गौर करेंगे तो ये हमने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। यहां पर भी मार्केट ने देखिए क्या किया, जब तक मार्केट इसको नहीं तोड़ा था, जैसे इसको तोड़ा इस वाले तक आया, इस लाइन को ब्रेक किया इस लाइन तक आया, इस लाइन को ब्रेक करके ये नीचे नहीं आया, पहली कैंडल के बाद ही इसने सपोर्ट ले लिया और ये इधर गया। इसके बाद जब इसने इसको ब्रेक किया तब तीन बज चुका था मार्केट ने लास्ट में हमको ये कैंडल बना के दी। तो बिल्कुल सही जगह पर है। अगर किसी भी कारण से मार्केट फ्लैट खुलता है तो आपको वेट करना है, क्या इसको एक 15 मिनट की कैंडल इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है या नीचे की तरफ ब्रेक करती है। अपना माइंड में कभी भी ये डिसाइड करके मत बैठो कि आज हम बाय ही करेंगे या फिर आज हम सेल ही करेंगे। अगर हमको मार्केट जो कह रहा है वो करेंगे तो हमारी ट्रेडिंग और अच्छी होगी। मार्केट हमसे कह रहा है बाय करो तो हम बाई करेंगे, मार्केट हमसे कह रहा है सेल करो तो हम सेल करेंगे। हम ये कभी नहीं सोचेंगे कि मार्केट 200 पॉइंट गिर गया है, 500 पॉइंट गिर गया है, यहां से ये ऊपर जाएगा, ये कभी नहीं सोचेंगे। या मार्केट 400 पॉइंट 500 पॉइंट की रैली कर चुका है और मार्केट कितना ऊपर जाएगा, यहां से नीचे की तरफ हमको यानी उल्टे डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ये आपको कभी नहीं सोचना है। मार्केट जो कह रहा है हमें वो सुनना है। जिस दिन मार्केट जो बता रहा है वो आप सुनना सीख गए, आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया कि ये हमने जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिया है, इसके ऊपर निकलता है मार्केट तो आपको यहाँ पे बाई करना है। ये लाइन जो है वो आपका एसएल होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा, ये दूसरा टारगेट होगा, ये तीसरा टारगेट होगा। अगर आपको सेल करना है तो इसके नीचे आप यहां सेल करोगे, ये आपका एसएल होगा, ये आपका पहला टारगेट होगा, और एसएल को ट्रेल करते जाएंगे तो आपको नीचे के टारगेट भी मिलते चले जाएंगे। अब मार्केट मान के चलो कि मार्केट इस सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आता ही नहीं है, ऊपर खुलता है या फिर नीचे खुलता है, तो ऊपर और नीचे यानी हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगर बीच में खुलता है, हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अगर बीच में खुलता है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सर आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अच्छा होता है, अगर वो नीचे खुलता है ऊपर चलता है तो हम यहाँ बाई कर लेते हैं, यहाँ चलता है तो हम सेल कर देते हैं, यहाँ पर आके हम निकल जाते हैं या यहाँ पर आके हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो इसके लिए भी एक्सपर्ट होना जरूरी है। बहुत से लोग कर पाते हैं, बहुत से लोग नहीं कर पाते। तो जो लोग बिगनर हैं नहीं कर पाते, उनको बीच में खुलने पे कुछ भी नहीं करना है, उनको इंतजार करना है कि मार्केट क्या इसको ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक करेगा तो आप यहां पर बाई करेंगे, यहां पर आपका टारगेट होगा, ये आपका एसएल होगा। और ब्रेक नहीं कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो आप इसको सेल करेंगे, यहां पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये आपका टारगेट होगा।
सेम कंडीशन ऊपर की तरफ है कि अगर मान लो मार्केट यहां बीच में खुलता है और बीच में खुल के ऊपर की तरफ निकलता है तो रिटेस्ट करने के बाद हम कोशिश करेंगे कि यहां पर बाई करें, ये एसएल रहे, ये टारगेट रहे। ये आपको दिखने में छोटा दिख रहा है लेकिन ये 300 पॉइंट है, ये आप देख रहे होंगे 400 पॉइंट है, यहां पर आप देख रहे होंगे 400 पॉइंट है। तो दिखने में आपको छोटा दिख रहा है लेकिन 300-400 पॉइंट का गैप है। आप क्या 300-400 पॉइंट तक कभी वेट करते हो कि बैंक निफ्टी 400 पॉइंट चली जाएगी तब मैं टारगेट बुक करूंगा? लेकिन अगर आप वेट करना सीख गए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना सीख गए तो आप बड़े बड़े प्रॉफिट ले सकते हो। तो अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो यहां पर आप बाई करोगे और मार्केट ब्रेक कर देता है इसको तो आप यहां पर आप इसको सेल करोगे, ये आपका एसएल रहेगा और ये आपका टारगेट रहेगा। लगभग 350 पॉइंट का टारगेट है। हम कह रहे हैं 350 नहीं, आप 300 पॉइंट ले लीजिए, 300 नहीं ले पाते हैं 200 ले लीजिए, 200 नहीं ले पाते हैं 100 पॉइंट भी अगर आपने कैप्चर कर लिए तो भी आपको एक लॉट पे 15 का लॉट है, 1500 रुपए आपको मिलेंगे। तो मार्केट बहुत आसान है, मार्केट को हम लोग क्या करते हैं डिफिकल्ट बना देते हैं और डिफिकल्ट बनाने के पीछे कई कारण होते हैं। कई सारा हम लोग इसमें इंडिकेटर लगा देते हैं या कहीं से हमने सुन लिया कि यहाँ पर बाई बन रहा है। आपको CNBC आवाज़ देखते हैं आप जी बिजनेस देखते हैं, आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखते हैं, आपके पास बहुत सारे टेलीग्राम में चैनल होते हैं, वहां पर अगर आप देखेंगे तो कई लोग जिस पॉइंट पर बाई बताते हैं कुछ लोग तो उसी पॉइंट पर सेल बताते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ट तो एक ही है लेकिन सबके देखने का नजरिया अलग अलग है। तो आपको किसी को फॉलो नहीं करना है, आपको फॉलो मुझे भी नहीं करना है, आप अपने हिसाब से चार्ट देखिए और चार्ट देख के जो चार्ट कह रहा है वो करने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आज नहीं तो कल आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूं, धन्यवाद।